हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अगर आपने बीटेक पास कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है आपकी जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले उम्मीदवार के लिए काम की खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आपका जो UPPCL होता है ने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या प्रोसेस होना है, कितनी आपकी फीस पड़ेगी, क्या सब, तो इस सब के बारे में चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। तो आप अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास हर चीज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। अब देखते हैं अपना आगे का काम। तो UPPCL इसके लिए इतिहाद कुल 113 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल पोर्टल upenergy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, यानी शीघ्र ये नोटिफिकेशन आ चुका है, शीघ्र ही होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगले महीने में 12 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर 2021 तक चलेगी। तो कब से? 12 से 4 तक, तो लास्ट डेट तक नहीं चलना। आप 12 के बाद, दो तीन दिन बाद, जब आपका दिल करे अप्लाई कराई दियो, लास्ट तक मत जाना, नहीं तो फिर भाई साहब सब गड़बड़ हो जाता है, फिर आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे इस अवधि में कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो फिर आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा और भाई साहब एग्ज़ाम निकल गया, इसके बाद बड़ा कष्ट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कब आपका आवेदन स्टार्ट, कब आपका लास्ट डेट। अब भाई साहब वैकेंसी डिटेल्स, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आपके 75 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के 14 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस के आपके 24 पोस्ट। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस IT के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 1180 रुपये का भुगतान करना चाहिए। यार बहुत फीस ले रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 826 का भुगतान करना होगा और PH श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 12 रुपये का भुगतान करना होगा। यार यहाँ पर 12 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है। तो आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।